में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? 1931 की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जो कराची में हुआ था। एओ ह्यूम द्वारा प्रारंभ की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। उनका एओ ह्यूम का कांग्रेस स्थापित बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि एक औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करना और उस पर प्रचार करना। अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा की गई थी, जो कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करता था। ये स्वदेशी आंदोलन आपके बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। 1920 और 1940 के बीच किसान संगठनों के केंद्रीकरण करना प्रारंभ किया। औपनिवेशिक काल में भारत के किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? किसानों का अत्याचार, सही है। भारतीय उद्योगों में भारी हानि, यह भी सही है। प्रतिकूल नीतियाँ, किसान प्रतिकूल नीतियाँ बनाई गई थी, सारे सही हैं। देसी प्रेस, वर्नकुलर प्रेस एक्ट, जो लॉर्ड लिटन की वायसरायशिप के दौरान पारित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो देसी प्रेस है वो विदेशी नीतियों की आलोचना करने से रोका जाए। उनको उस व्यक्ति का पहचान कीजिए जिसने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपके विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस छोड़ो अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे लोकप्रिय अगस्त क्रांति के रूप में भी हम लोग जानते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लोगों का बहुत बड़ा समूह गया और डांडी जो गुजरात का एक स्थान है, वहाँ पर जाकर के नमक बनाए। उन्होंने वर्ष 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो 1905 में किया था, और लॉर्ड हार्डिंग ने उसको 1911 में फिर से विभाजन को रद्द कर दिया। 1919 की शुरुआत में अली बंधु, अजमल खां और हसरत मुहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया। सर्वप्रथम खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे का मुख्य कारण था तुर्की में के टुकड़े कर दिए थे अंग्रेज़ों ने।